जी, फीलिंग तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी क्योंकि 18 मई को इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए थे, तो रिज़ल्ट कभी भी आ सकता था। तो बस एक होप थी कि शायद ना हो लिस्ट में, बट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इतनी अच्छी रैंक आ गई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और रही बात प्रेपरेशन की, तो मैंने अपने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2020 से, थोड़ी थोड़ी NCERTs पढ़ना और बेसिक बुक्स पढ़ना। फिर फाइनली जब मैं ग्रेजुएट हुई, मैं 20 वर्ष की थी तो मैं एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकती थी, तो फिर मैंने बहुत फोकस्ड मेंस प्लस प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन की। और ये बात इंश्योर की कि प्रीलिम्स के पहले मेंस रेडी रहूँ मैं। फिर फाइनली प्रीलिम्स क्लियर हो गया थैंकफुली, तो फिर मेंस अच्छे से हुआ एंड इंटरव्यू भी हो गया, तो अब द साइकिल इज़ ओवर, तो बहुत खुशी हो रही है। प्रिपरेशन कैसे की, कोचिंग नहीं ज्वाइन की, और इसके बाद अब अगला गोल क्या है? जी, कोचिंग मैंने इसलिए नहीं ज्वाइन की क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशनल स्टडी ऑलरेडी कर ली थी अपने कॉलेज के टाइम पे ही, क्योंकि कोविड ईयर चल रहा था उस टाइम पे, तो मैं घर पे थी, बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा खुद से ही कर सकते हैं। और जब बेसिक बुक्स हो गई तो मुझको लगा कि खुद से करा जा सकता है एटलीस्ट GS। कोचिंग मैंने 4 महीने का कोर्स किया था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आई एम होपफुल अच्छे मार्क्स आए होंगे। और उसके अलावा दूसरी चीज़ आप क्या पूछे थे? नेक्स्ट गोल क्या है? जी, नेक्स्ट गोल यही है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भारतीय विदेश सेवा है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो मैं अपने पूरे देश को की तरफ जितनी भी अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हो या डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, किसी भी तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, जो भी मैं कर सकूँगी अपना एक भारतीय विदेश सेवा की ऑफिसर होके, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी और अपने देश का नाम रोशन करना चाहूँगी। विदेश सेवा की बात होती है तो विदेश में किसी भी देश का जो बुनियाद होती है जी, तो अब उसमें किसको फॉलो करती है? भारतीय विदेश सेवा में मैं बहुत सारे करियर डिप्लोमैट्स हैं जो मुझे इंस्पिरेशनल लगे। सबसे पहले तो जो पहली करियर डिप्लोमैट थी, इंडियन डिप्लोमैट CB मुथम्मा, उन्होंने बहुत जंग लड़ी एक जेंडर इक्वालिटी के लिए पूरी सर्विस में ओवरऑल, और वो प्रेरणा बनी नॉट जस्ट इन इंडियन फॉरेन सर्विस बट ओवरऑल औरतों के लिए। और उसके बाद बहुत सारी बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल डिप्लोमैट्स थी जिन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी अच्छे से शेप किया। और फिर हमारे अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SJ, वो भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इंस्पायर किया। ये फोटो सर थोड़ा सा सर पे हाथ रख दीजिए। मेरे पापा बड़ी मम्मी है, लखनऊ से अपना ऑफिस छोड़ के भैया सचिवालय तरफ नहीं 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 इधर देखिएगा। अच्छा, बगल ये भैया सबसे बड़ी रैंक अभी तक यही है, हर साल 400 बच्चे होते हैं और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।